आज गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के पूरी तरह खात्मे की तारीख बताई। अमित शाह ने लोकसभा में ऐलान किया कि 2026 तक जम्मू कश्मीर में नो टेरर प्लान लागू हो जाएगा, मतलब जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त हो जाएगा। सुनिए गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कहा। गृह मंत्रालय हर माह यहाँ पर सिक्योरिटी रिव्यू करता है और हर 3 माह में मैं वहां जाकर सिक्योरिटी रिव्यू करता हूँ। मान्यवर, एक जीरो टेरर प्लान बनाया गया है जिसको हमने इम्प्लीमेंटेशन में लाया है। 3 साल से वो प्लान एक्शन में है। मुझे पूरा भरोसा है मान्यवर कि 24 के बाद फिर से मोदी जी आने वाले हैं, 26 आते आते जीरो टेरर प्लान 100% इम्प्लीमेंट होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने 2 साल बाद जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने का ऐलान किया है, तो इसके पीछे है उन्होंने कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे और घुसपैठ घटने के आंकड़े जो कि उन्होंने लोकसभा के सामने रखे। यहां तक कि पत्थरबाजी की घटनाएं भी घटी हैं। इन सारे बदलाव की वजह है जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटना। सीज फायर के वायोलेशन की घटना 2010 में, 1 साल में 70, 2023 में 2, घुसपैठ 2010 में 400 निवासी, 2023 में सिर्फ 48, आतंकवादी मारे गए 112 मारे गए थे, कुल मिलाकर एवरेज निकाल दे तो 278 आतंकवादी मारे गए हमें। मान्यवर, वापिस लौट गए, पहले 18 वापिस लौटे थे, अब 281 वापिस लौट गए हैं पाकिस्तान। कल पथराव की बात कर, मैंने 2 साल लिए हैं सर। 2010 2654 पथराव की घटनाएं हुई थी 2010 में, 2023 में 0, एक भी पथराव हुआ था। ऑर्गेनाइज हड़ताल, जो कॉल देकर पाकिस्तान से कॉल देते थे इनके आका, और कश्मीर की वैली और जम्मू बंद हो जाते थे, 132 ऑर्गेनाइज हड़तालें हुई थी 2023 में, एक भी हड़ताल नहीं, एक भी बंद नहीं।